भय लग गया, हमको तो डर लग रहा है। घुरा भाई हो जाओ, हो जाओ घुरा। हमें बंसी लगाए बोलते हैं वो देखने के लिए। देखने में पानी कम है लेकिन पानी वो ज्यादा है, गहराई ज्यादा है। हेलो दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ बोरविल। वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा नेचुरल स्पॉन है, वहाँ पे अभी हम लोग मछली मारने जाएगा। तो अभी फिलहाल तो एक दोस्त को पिकअप करने आया है, यहाँ भी इसका घर है तो वो भी जाएगा साथ में। तो आज का मौसम तो देख के तो नहीं लग रहा है मछली मिलेगा, फिर भी ट्राई करता है क्योंकि दो तीन दिन से बारिश दे रहा है। आई होप ओए आजा मिस्टर लैंग, ये भी साथ में जाएगा हम लोग का। आएगा खड़ी करना तो चलते हैं बोरविल, वहाँ पे दिखाता है हम लोग मछली पकड़ने वाला। आई होप मिल जाए मछली। तो यहाँ से सीधा जाने से हम लोग को मैकिंग मिरी मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से राइट टर्न करेगा। अभी बोरविल पहुँच गया है, ये है बोरविल बस्ती। बहुत बड़ा बस्ती है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न करेगा। तो रास्ता तो पूरा कीचड़ कीचड़ है, तो अभी हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं। ये साइड साइड में जंगल है, हमें पूरा वायर गिरा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक पोल से गिरा हुआ है, वो रास्ता का बीच में है। तो इसको अभी हम लोग सफा कर रहे हैं। अभी तो अभी हम लोग स्पॉट में पहुंच गया है, तो यहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो गाड़ी को यहीं में रख देगा, ऐसा बंद है। तो अभी हमको यहाँ पानी क्रॉस करना पड़ेगा, तो लॉन्ग पैंट को उठा लेगा, यहाँ में थोड़ा सा पानी है। बफेलोस ये देखिए कितना तगड़ा तगड़ा बफेलोस है। मौसम आज ठंडा है, बारिश हुआ था ना सुबह को, तो इतना गर्मी नहीं है। ऐसे बारिश देने से तो मछली नहीं मिलता है इतना, देखता है कोशिश करके मिलेगा भी साइट। तो हम लोग पहुंच गया है स्पॉट पे, तो ये हम लोग का मछली मारने का स्पॉट ये है। तो ये बिल है, हमको मुंह में चाट दिया। तो नाव तो कहाँ है भाई? हाँ उस पार है, कौन लेके चला गया? गुनीन इसको बोलता है, आदिवासी प्रको है ना, इसको आदिवासी भाषा से गुनीन बोलता है। इससे मछली पकड़ता है, ये पानी में रख देता है, तो मछली यहाँ से आके घुस जाता है। घुसने के बाद वापस जब निकलता है तो ये बंद कर देते हैं, ऐसे करके बंद हो जाते हैं, वापस नहीं निकल सकते। घुसने के लिए तो इजी होता है मछली को, ऐसे करके जितना बड़ा उनसे भी ऐसे थेल के घुस जाते हैं, लेकिन जब वापस निकलते हैं तो ये पकड़ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं गुनीन। तो ये हम लोग का मास्टर फिशरमैन जा रहा है बिना नाव का, ये बंबू का सहारा से जा रहा है अंदर में, लेकिन हम लोग नाव के लिए रुकेगा। अगर नाव आएगा तो हम उस पार जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, यहीं भी रुकेगा। तो हम लोग अभी ये गुनी को यहाँ पे लगाएगा, ये अंदर में मछली पकड़ने के लिए। ये तो भैया है, ये सफा कर रहे जगह, यहाँ पे लगाएगा। तो उसको मतलब लगाने के लिए मतलब ये जगह बना रहा है अभी, तो साथ में हम भी है। हो जाते जाओ, डूबी जाओ, सब डूबी जाओ ना, लो एनेसु अभी था को लो एनेसु। तो मैं देख के जाऊंगा इसको अभी। तो यहाँ पे लगा रहे हैं भैया, तो पानी तो है तरफ भाई बनो। ये तो हुरु हुरु चेंग मास पाओ पड़े,
डांगर पाव न देखने में पानी कम है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है इसमें। मतलब इतना बड़ा वाला गुनी भी मतलब ऑलमोस्ट डूब ही गया यहाँ पे। वैसे देखने से तो पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है, पानी इतना नहीं है, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट डूब ही गया है। तो यहाँ पे छोटा छोटा मछली नहीं, बड़ा बड़ा मछली भी मिलते हैं यहाँ पे। ये तो की मास घुमा वो हाल मास और फुल मास पोखरा सेंग ना तो हो गल लगी गल। तो भैया और हमने गुनी लगा दिया यहाँ पे, तो ये हम लोग अभी हम तो नहीं आएगा, ये भैया कल आके देखेगा इसमें मछली फंसा कि नहीं फंसा, वो कल सुबह आके देखेगा। कल रात भाई सबो ही। तो हमारा नाव तो हम लोग का नाव आ गया, नाव अभी आ गया है। तो अभी हम लोग नाव पे उठ के उस पार थोड़ा जाके आएगा। तो अभी मैं नाव पे चढ़ गया हूँ, ये छोटा भाई नाव चला रहे है अभी, ये खेल रहे नाव को। ओए होए होए होए, तो वही ना लगे, वही ना लगे ये थे। काफी गहरा है यहाँ पे, आदमी डूब जाएगा, बहुत ज्यादा पानी है। मासी बहुत डाउन डाउन पाए ना थे, क्या बार कौन डाउन पाए? वैसे डाउन ना पाए, पहले भी 5-6 केजी मास तो पाए पर है ना? नहीं, हाँ, ना पाए। तो हो गया है मेरा नाव उठना। अभी ये छोटा भाई और ये इसका बड़ा भाई जा रहे हैं उस पार, और मैं बंछी लगाए बोलते हैं वो देखने के लिए। नाव तो आया था तो थोड़ा दूर हम उठ के गया है, लेकिन नाव वो मतलब हल्का है, नाव हिल रहा था, तो हम आधा तक ही जाके फिर वापस आ गया मतलब। तो उसके बाद वो लेके चला गया नाव को। तो फिलहाल तो मैं अभी यहीं पे वेट करूँगा, साथ में लैंग डोस भी है, तो ये भी वेट करूँगा। जो हम लोग का पार्टनर है वो गया है अंदर में मछली मारने के लिए। तो मैंने तो ये यहाँ का जो लोकल तो भैया था उसका साथ गुनी को वहाँ पे लगाया है, फंसा के रखा है, तो वो कल आके देखेगा मछली मिलने से हमको खबर करेगा। तो ये पहले वाला बिल में मछली नहीं मिला है, तो अभी हम लोग दूसरा वाला बिल में आया है। ये है दूसरा वाला बिल, काफ़ी बड़ा है। तो अभी यहाँ पे ट्राई करता है, शायद मिलेगा मछली यहाँ पे, नहीं मिलने से कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग घर वापस जा रहा है, हम लोग का मछली मारना हो गया, मछली मिला नहीं हम लोग को, एक भी नहीं मिला है। तो ट्राई करेगा नेक्स्ट दिन में, ऐसे हमको डाउट ही था मछली नहीं मिलेगा बोल के, फिर भी कोई बात नहीं, शाम का समय था तो ऐसे टाइम पास करने के लिए आ गया। तो वहाँ पे हम लोग, लेकिन वो भैया का सर वो गोनी लगा के रखा है ना, उसमें तो श्योर मछली फंसेगा वो, लेकिन कल सुबह आके देखेगा वो भैया, तो शायद मछली फंसेगा उसमें, छोटा छोटा मछली तो फंसते शायद वो बताएगा फंसा है बोल के, लेकिन लेने नहीं आएगा, खबर तो देगा वो। तो अभी वापस घर जा रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, मतलब अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगता है, और ऐसा वीडियो मतलब और ऐसा ब्लॉग बनाओ बोल के अगर सोचता है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और आप लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि मैं भी मतलब मेरा भी मतलब चैनल थोड़ा सा मतलब आगे बढ़े मतलब। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो हम लोग ये बिल से निकलते निकलते रात हो गया, तो अभी गाड़ी में हूँ, तो अभी घर जा रहा हूँ।